ऑस्ट्रेलिया के फेसबुक यूजर्स तब सकते में आ गए जब अचानक उन्हें अपने फेसबुक पर न्यूज या खबरें दिखनी बंद हो गईं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्योंकि फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज कंटेंट को ब्लॉक कर दिया और ये हुआ टेक कंपनीज और ऑस्ट्रेलियन सरकार के बीच एक कानून को लेकर हुए विवाद की वजह से। ये कानून जो कहता है कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां न्यूज कंटेंट दिखाने के लिए मीडिया कंपनीज को पैसा दें, क्योंकि जिस तरह फेसबुक या गूगल पर ही हम खबरों के लिए निर्भर हो रहे हैं, ऐसे में मीडिया कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लोग वेबसाइट पर न जाकर फेसबुक पर जाते हैं, वहीं खबर देख लेते हैं। ऐसे में अमरीका की इन बड़ी कंपनियों को जहां फायदा मिल रहा है, वहीं मीडिया कंपनियों को, फिर वो किसी भी देश की क्यों ना हो, उन्हें विज्ञापन के स्तर पर काफी नुकसान हो रहा है। इन दलीलों के साथ ऑस्ट्रेलिया की सरकार ये नया कानून लाई है जो कंपटीशन के लिए एक बराबरी का मैदान तैयार करने की बात कहती है। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया खबरों का एक अहम सोर्स है। रॉयटर्स की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2020 कहती है कि 52% ऑस्ट्रेलियंस ने माना कि फेसबुक उनके लिए खबरों का सबसे बड़ा जरिया है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक जांच में पाया कि किस तरह मीडिया और विज्ञापन जगत में गूगल और फेसबुक ने वर्चस्व बना रखा है और इसलिए जरूरत है ऐसे कानून की जो सबको बराबरी के अवसर दे। इस कानून के मुताबिक न्यूज कंपनियां इन टेक कंपनियों से सर्च रिजल्ट और न्यूज फीड को लेकर एक उचित समझौता करें। लेकिन अब फेसबुक का कहना है कि कानून मीडिया कंपनियों के प्रति ऑस्ट्रेलियन सरकार का झुकाव दिखाती है। फेसबुक के मुताबिक उनके प्लेटफॉर्म पर खबर पोस्ट करके पब्लिशर्स या न्यूज कंपनियों का भला ही होता है, उनकी ऑडियंस बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन विज्ञापन पर अगर $100 खर्च होते हैं तो उसका $53 गूगल के पास जाता है, $28 फेसबुक के पास और बाकी का बचा कुचा हिस्सा मीडिया कंपनियों के पास पहुंचता है। बस इसी खींचतान के बीच गुरुवार को फेसबुक ने नाराजगी जताते हुए ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स के लिए न्यूज को ब्लॉक कर दिया। यही नहीं, कुछ जरूरी अलर्ट्स भी ब्लॉक कर दिए गए। फेसबुक का ये कदम ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी की तरह समझ सकते हैं। जिस बात पर इतनी बहस हो रही है उसे ही ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन यूजर्स के लिए ये अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि पूरी दुनिया की तरह ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स भी सुबह सुबह अखबार न उठा के फेसबुक उठाकर ही न्यूज को खंगालते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो किया उसे अन्य देश और देशों की मीडिया कंपनीज भी उदाहरण के तौर पर लेकर अपनी सरकार पर ऐसा कानून लाने का दबाव बना सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने तो इस मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की है। अब देखना यह है कि पहले पलक कौन झपकाता है, फेसबुक या ऑस्ट्रेलियन सरकार। Authentic B News app available on Google Play and App Store. Download it now.